देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले नजर चुनावी खबरों पर। तिहाड़ से रिहाई के बाद केजरीवाल ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने खुद रूल बनाया था कि भाजपा के भीतर जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर किया जाएगा, यानी मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र में मोदी सरकार फिर से बनी तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी केजरीवाल के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संविधान ये नहीं कहता कि 75 की उम्र के बाद कोई पीएम नहीं रह सकता, आगे भी मोदी ही कमान संभालेंगे। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर लगे छेड़छाड़ के आरोप को लेकर ममता बनर्जी ने उन पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस घटना के बाद अब राजभवन में प्रवेश नहीं करेंगी। इस घटना के बाद अब राज्यपाल के बगल में बैठना भी पाप है। साथ ही उन्होंने राज्यपाल से अपने पद से हटने को भी कहा। माननीय राज्यपाल, আমার কি দোষ আপনি বলুন? আমি তো জানি না ঘটনা পুরো। বলছে দিদিগিরি নেই চলেগা, আমি বলি ও তো সাথে দাদাগিরি নেই চলেগা, দিদিগিরি নেই চলেগা, লেকিন রাজ্যপাল পেলে আপকো তো পদত্যাগ করনা চাইয়ে। হু আর ইউ টু টর্চার দ্য উইমেন? कुछ दिन पहले आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने एक सर्वे किया था जिसमें इस बात पर अध्ययन किया गया कि यूपीआई आने के बाद लोगों की खर्च करने की आदतें किस हद तक बदली। इस सर्वे के मुताबिक यूपीआई के इस्तेमाल के चलते लोगों के खर्च में कुछ बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल पेमेंट के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की अपील करते रहे हैं। आइए देखते हैं इस बारे में एनडीटीवी की खास रिपोर्ट। ये आवाज और ये चित्र जिसे हम QR कोड कहते हैं, पिछले कुछ बरसों में हमारी लेन देन का हिस्सा बन गई है। खरीदारी के लिए लोग बटवे की जगह मोबाइल लेकर निकल रहे हैं। हाल ही में IIT दिल्ली के डिजिटल पेमेंट पर एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि इस आसानी ने लोगों के खर्चे भी कुछ हद तक बढ़ा दिए हैं। कम्फर्टेबल तो बहुत है। अभी मैं आया, मेरा एक थेरेपी सेशन था, मैं कुछ कैश कैरी नहीं कर रहा, सिर्फ फोन कैरी कर रहा हूँ मेरे साथ और गाड़ी के चाबी बस। ना मुझे वॉलेट कैरी करना है, ना कैश कैरी करना है, ना कैश गिरने का टेंशन कैरी करना है। खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि अगर मैं अपना वॉलेट ओपन करता हूँ, मुझे दिख रहा है वहाँ पर मेरे पास 100 का है, 50 का नोट है, एंड मुझे पता है कि मेरे पास इतना ही है एंड आई हैव टू गो होम। सो मैं स्पेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जाना भी मेरे रास्ते में खर्चे होने वाले हैं। बट जब मैं UPI है, लेट से मेरे अकाउंट में लेट से 10,000 है,
सो आई कैन स्पेंड इट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. खर्चे बिल्कुल बढ़ रहे हैं बिकॉज पता नहीं चलता है कि कितना पेमेंट हो रहा है. मतलब वो बस एक नंबर आता है, एक टिक मार्क आ जाता है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो इंस्टेंटली पेमेंट कर देते हैं. कैश जब हाथ में देना पड़ता है तो आपको लगता है कि आप पैसे खर्च कर रहे हो. UPI से पेमेंट बढ़ जाता है. वो आपकी बात बिल्कुल सही है. डिजिटल का तो है जमाना आ गया, लेकिन कैसा है अभी छुट्टे का तो मगजमारी जो है तो एकदम क्लियर हो गया है. मतलब चिल्लर का इतना मगजमारी नहीं होता है. ऑनलाइन पेमेंट से वो एक थोड़ा है, प्रॉब्लम भी नहीं है और क्लियर भी है थोड़ा. इस सर्वे में UPI पर 235 लोगों की राय ली गई. 74.2% लोगों ने कहा कि उनके खर्चे बढ़ गए. 7% लोगों का कहना है कि उनका खर्चा कम हो गया है. 69.5% लोगों को लेन देन की यह प्रणाली बेहद सुविधाजनक लगती है. दरअसल ये प्रणाली ग्राहकों के लिए जितनी सुविधाजनक है, कारोबारियों के लिए भी उतनी ही सुरक्षित है. पेमेंट तो फोन पे वगैरह ही कर रहे हैं, जीपे वगैरह. बाकी कैश तो इतना रखते नहीं है, फोन पे ज्यादा चलता है. हमारे लिए अच्छा है क्योंकि कैश जो डिपॉजिट करना है वो थोड़ा रिस्क कम हो जाता है. बैंक नजदीक नहीं रहेगी तो दूर जाना पड़ता है, तो कैश लेके कैश ट्रांसपेरेंसी रहती है, उस हिसाब से ये अच्छी बात है. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से UPI के भी फायदे और नुकसान हैं. लेकिन कहा जा सकता है कि इसके फायदे ज्यादा हैं और जो नुकसान है उनको कम करने की जिम्मेदारी हमारी है. UPI के इस्तेमाल से लेन देन में काफी पारदर्शकता भी देखने को मिल रही है. UPI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ साथ इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए हमें सावधानता भी बरतना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में UPI ही लेन देन का एकमात्र विकल्प रहेगा. मुंबई से कैमरा पर्सन संतोष पालवनकर के साथ मैं अक्षय कुड़केलवार, NDTV इंडिया के लिए. और अब देखते हैं नीता की रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आज बात असम की, जहां युवा मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के भरोसेमंद नेता पीयूष हजारिका जुटे हैं अपने बाढ़ पीड़ित राज्य के तटबंध मजबूत करने में. एक तो इससे यहां आने वाली बाढ़ पर रोक लगेगी, साथ ही इन पक्के तटबंधों का इस्तेमाल सड़कों के तौर पर भी किया जा सकता है, जिनसे नदियों के किनारे बसे गांवों का हुलिया बदल रहा है. काम आसान नहीं, लेकिन पीयूष हजारिका इसे कामयाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. देखिए रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट. एक युवा नेता एक बड़ी मुहिम अंजाम देने में लगे हैं. 46 साल के पीयूष हजारिका जो असम के जल संसाधन मंत्री हैं, उनके ऊपर असम में हर साल आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए खस्ता हाल तटबंधों को मजबूत करवाकर तबाही रोकने की जिम्मेदारी है. हजारिका और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का इरादा राज्य में 1000 किलोमीटर से ज्यादा पक्के तटबंध बनाने का है, जिनसे सड़कों का काम भी लिया जाए और जो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर बसे गाँव को आपस में जोड़ सके. 100% flood free, I think not possible because it is related to nature and nobody can protect, prevent nature 100%. But our goal is to mitigate it, to bring it down. Assam में लगभग 40% भूमि ऐसे इलाकों में है जो कि बाढ़ प्रभावित है, और हर साल जब असम में बाढ़ होती है तो एक कहर बाढ़ बरसाता है लोगों के ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर. सरकार ने एक मुहिम चलाई है जहां पे कि जो बांध बने हुए हैं उन बांध को बड़ा किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, और उनके ऊपर से ही अब रास्ते बन रहे हैं ताकि दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचा जा सके. नाउ वेयर आई एम सिटिंग, वेयर आई एम स्टैंडिंग, इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट, इज अ पायलट प्रोजेक्ट. पैरेलली वी हैव एक्सपेंड दिस एम्बैंकमेंट. दिस इज द ओल्ड एम्बैंकमेंट एंड दिस इज द इट विल बी द न्यू एम्बैंकमेंट एंड इट इज अ न्यू कंसेप्शन. जिन लोगों ने जिंदगी भर बाढ़ झेली है उनके लिए ये कोशिश राहत लाई है. बहुत किनी असुविधा पाइसो इता तार माने मथाय तो आमार एदी बहुत बार भांगिसे, तो तार फलत बहुत मानुर क्षति होइसे, आमार घर दुआ भांगि गइसे. तारे तारे कारणे मामाय बहुत किनी आमाक सुविधा दिसे मुख्यमंत्री डांगरियाय, आरो मथारी खिनि बांधि दिसे, ए जिओ बेग लगाइसे, बहुत बहुत किनी करिसे. असम में ऐसे बहुत से तटबंध हैं जिन पर गाड़ियां चलती हैं, यानी एक पंथ दो काज. कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV.